आइए दोस्तों, आप नौजवान, आपका है रुदौली का, तो मैं चाहता हूँ कि एक और नौजवान बलरामपुर से अगर आपके सामने पेश किया जाए तो कैसा लगेगा आपको। और वो बलरामपुर से वो नौजवान दिल्ली के जामिया मिल्लिया का तालिब इल्म है, वहाँ से PhD कर रहे हैं वो हजरत। बहुत नफीस लहजे के शायर हैं, हालांकि तहत के बाद तहत के शायर को आवाज़ नहीं दी जाती, लेकिन इस वक्त तकाजा है कि मैं अकमल बलरामपुरी को इसलिए आवाज़ दूँ कि मैं चाहता हूँ कि नौजवान बताएं आकर कि शायरी और उनकी सोच का लहजा क्या है और किस अंदाज से वो सोच सकते हैं। बहुत मोहब्बत से आप लोग तालियों से इस्तकबाल कर लिए जनाब अकमल का, अकमल बलरामपुरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले मैं बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा जब्बार भाई को कि इतना अच्छा मुशायरा आपने किया, लेकिन जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, मैं जब्बार भाई से कहूंगा अगली बार 2 दिन का मुशायरा करें। दिल्ली में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं रुदौली के, लखनऊ में भी एक हमारे दोस्त हैं यहीं के हैं वजहुल भाई, उन्होंने कभी बताया भी नहीं कि आप लोग इतने शरीफ लोग हैं। आज आजादी का 75वां जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, और मैं बहुत देर से बैठा था, आप लोग अभी जहां पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, मैं वहां से पढ़ाई करके निकल चुका हूं, इसलिए मैं आपकी मतलब की बात करूंगा। आज आजादी का 75वां 76वां अमृत महोत्सव है, एक शेर पढ़ूंगा और उसके बाद फिर आपकी बात करूंगा। अभी बंद होती आंखों के कई अरमान बाकी है, मुझे वो क्या खरीदेंगे मेरा ईमान बाकी है। अभी बंद होती आंखों के कई अरमान बाकी है, मुझे वो क्या खरीदेंगे मेरा ईमान बाकी है। हमारे देश की मिट्टी तुझे हम मां भी कहते हैं, तेरी भी गोद में अब तक कई शैतान बाकी है। कि अभी बंद होती आंखों के कई अरमान बाकी है, मुझे वो क्या खरीदेंगे मेरा ईमान बाकी है। हमारे देश की मिट्टी तुझे हम मां भी कहते हैं, तेरी भी गोद में अब तक कई शैतान बाकी है। वफादारी की इससे और क्या बेहतर मिसालें दें, हमारी टूटती सांसों में हिंदुस्तान बाकी है। हमारी टूटती सांसों में हिंदुस्तान बाकी है। एक शेर पढ़ूंगा, गुले सभा साहिबा पढ़ के गई, शाइस्ता सना साहिबा गई, मैं भी पढ़ता हूं कि देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती, कहीं कहीं दिल जलों की जरूरत पड़ती है, और इंशाल्लाह पड़ेगी तो मैं आपको सबसे पहले बुलाऊंगा। कि देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती, सर से जिस तरह मुसीबत कोई टल जाती है। जब्बार भाई, कि देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती, सर से जिस तरह मुसीबत कोई टल जाती है। मैं वली हूं ना कोई काम है रूहानी मेरा, लेकिन एक लड़की मेरे नाम पे जल जाती है। वसीम भाई, फिर से पढ़ू, बहुत कम वक्त लूंगा मैं, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट रहूंगा आपके बीच में, लेकिन इंशाल्लाह वो सब सुना के जाऊंगा कि आप याद रखेंगे कि कोई आया था रुदौली। कि देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती, सर से जिस तरह मुसीबत कोई टल जाती है। मैं वली हूं ना कोई काम है रूहानी मेरा, लेकिन एक लड़की मेरे नाम पे जल जाती है। एक शेर और पढ़ता हूं कि ना वफा के ना खुलूसों के मुआफिक निकला, और कुछ नकली से चेहरों के मुताबिक निकला। आप लोग भी भाई शिरकत करें, मैंने आपसे कोई उधार तो लिया नहीं है, इतने नाराज बैठे। कि ना वफा के ना खुलूसों के मुआफिक निकला, और कुछ नकली से चेहरों के मुताबिक निकला। पूरी दुनिया की वफाओं में चुना था जिसको, एक वही शख्स मोहब्बत में मुनाफिक निकला। कि ना वफा के ना खुलूसों के मुआफिक निकला, और कुछ नकली से चेहरों के मुताबिक निकला।
पूरी दुनिया की वफाओं में चुना था जिसको, एक वही शख्स मोहब्बत में मुनाफिक निकला। हमारे दरमियान में मेरे बहुत ही मुअज्जज़ वासी फारूकी साहब हैं, मौजूद हैं, और हमारे बीच में डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब और भी तमाम जो सीनियर शोरा सबकी शिरकत चाहता हूँ। एक शेर और पढ़ता हूँ, मोहब्बत की आप लोग बात सुन रहे थे, मैं एक मतलब की शेर आपके कहता हूँ। कुछ ऐसे दुख भी होते हैं जो दिल को मार जाते हैं कि अब तो महफिलों से उठ के मेरे यार जाते हैं। कुछ ऐसे दुख भी होते हैं जो दिल को मार जाते हैं कि अब तो महफिलों से उठ के मेरे यार जाते हैं। हमारे कब्र की तख्ती पे इतनी बात लिख देना, मोहब्बत जंग करती है तो लड़के हार जाते हैं। फिर से, कुछ ऐसे दुख भी होते हैं जो दिल को मार जाते हैं लेकिन मैं जब्बार भाई, ये लोग जिस हिसाब से सुन रहे हैं, मैं बहुत देर से मैं पीछे बैठा था, अगली बार से एक एम्बुलेंस का भी इंतजाम करिएगा इनके लिए, किसके हाथ पे टूट जाए। कुछ ऐसे दुख भी होते हैं जो दिल को मार जाते हैं कि अब तो महफिलों से उठ के मेरे यार जाते हैं। हमारे कब्र की तख्ती पे इतनी बात लिख देना, मोहब्बत जंग करती है तो लड़के हार जाते हैं। कुछ गुनाहों की तलाफी भी नहीं होती है, इश्क में शिर्क की माफी भी नहीं होती है। फिर से पढ़ूं, कुछ गुनाहों की तलाफी भी नहीं होती है। कुछ गुनाहों की तलाफी भी नहीं होती है, इश्क में शिर्क की माफी भी नहीं होती है। तुमको रखा है बड़ी आस से इन नजरों में, तुमसे तो फोटोग्राफी भी नहीं होती है। एक शेर और पढ़ता हूं दोस्तों, बहुत ही अच्छा शेर है, सुनिएगा कि मेरे लहू के हर एक कतरे को निचोड़ा था। मैं दरअसल दिल्ली जामिया मिल्लिया इस्लामिया, मेरे फादर ने तो भेजा था इंजीनियर बनने के लिए, लेकिन इत्तेफाक से जब मैं वहां की लाइब्रेरी में गया तो साहिल लुधियानवी साहब की किताब लग गई, तो मैंने वहां जाकर के उर्दू से ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर कर लिया और शायर बन गया। तो इसीलिए मैं आप ही की मतलब की बात करूंगा कि शेरे की, मेरे लहू के हर एक कतरे को निचोड़ा था, वफा के सारे उसूलों को उसने तोड़ा था। मेरे लहू के हर एक कतरे को निचोड़ा था, वफा के सारे उसूलों को उसने तोड़ा था। किसी ने प्यार से अपना तुझे बनाया था, किसी के इश्क ने रास्ते पे तुझको छोड़ा था। किसी ने प्यार से अपना तुझे बनाया था, किसी के इश्क ने रास्ते पे तुझको छोड़ा था। मैं यकीन करना दोस्तों, मैं भारत के बाहर भी गया कई देशों में, आप लोग जिस मोहब्बत से सुन रहे हैं, मैंने ऐसा सामयीन कहीं नहीं देखा। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, रुदौली के दबीर भाई हैं, वजूल साहब हैं। एक शेर पढ़ता हूं कि मतलब इसी दुनिया में कौन कब कहीं मिलता, वो मुझे जहां कहता मैं उसे वही मिलता। मतलब इसी दुनिया में कौन कब कहीं मिलता, वो मुझे जहां कहता मैं उसे वही मिलता। अपने शहर में उसने हर तरफ मुझे देखा, इसलिए तो वो मुझसे अब यहां नहीं मिलता। अपने शहर में उसने हर तरफ मुझे देखा, इसलिए तो वो मुझसे अब यहां नहीं मिलता। जिसने अपनी चाहत में सैकड़ों के दिल तोड़े, बात पूरी हो जाने दे, मुझे पता होता मैं बहुत पहले आ जाता कि जिसने अपनी चाहत में सैकड़ों के दिल तोड़े, मैंने उससे बोला था जा तुझे नहीं मिलता। जिसने अपनी चाहत में सैकड़ों के दिल तोड़े, मैंने उससे बोला था जा तुझे नहीं मिलता। बस जरा सी दौलत में खुद को भूल जाते हैं, मैं नए अमीरों से इसलिए नहीं मिलता।
मैं नए अमीरों से इसलिए नहीं पढ़ता, दो चार शेर और फिर मैं वापस चला जाऊंगा। एक ही शख्स के दो चाहने वाले हों अगर, उससे पहले एक शेर में पढ़ूंगा कि तुम अपने दिल के गुनहगारों को मुआफ करो तो नफरतों से मोहब्बत भी जीत जाएगा। तुम अपने दिल के गुनहगारों को माफ करो तो नफरतों से मोहब्बत भी जीत जाएगा। मैं अपनी आंखों से जिस दिन तुझे निकालूंगा तो तेरे दुख का दिसंबर भी बीत जाएगा। जब्बार भाई हैं, एक बार जोरदार ताली आप उनके लिए बजा दें। ज्यादा हमारे और भी मेहमान शायद हैं, सिर्फ 5 मिनट लूंगा, लेकिन 5 मिनट में इंशाल्लाह जो आपको 5 शेर सुना के जाऊंगा, नहीं सिर्फ 5 मिनट शेर सुनिए कि एक ही शख्स के दो चाहने वाले हो अगर, ये मोहब्बत को भला कैसे गवारा होगा। एक ही शख्स के दो चाहने वाले हो अगर, ये मोहब्बत को भला कैसे गवारा होगा। तुम जिसे पाकर इतराए से फिरते थे बहुत, जो हमारा ना हुआ कैसे तुम्हारा होगा। वफाएं लाख की मांगे कभी सिले भी नहीं, पुराने दोस्त मुझे तुझसे अब गिले भी नहीं। मुनाफिकत की ये तुझको बड़ी सजा दी है कि तेरे शहर भी आए तुझे मिले भी नहीं। ये बात वक्त के शाहों से कोई बोल भी दे, जो आसमान है वो भी जमीन पे गिरता है। सिर्फ 2 शेर और उसके बाद। ये बात वक्त के शाहों से कोई बोल भी दे, जो आसमान है वो भी जमीन पे गिरता है। तमाम शहर के आईने चीख कर बोले, एक खुश मिजाज सा लड़का उदास फिरता है। और ये दोस्तों, ये 2 शेर बस कि मोहब्बतों को तराजू पे तोलने वाले, तू मेरी सोच की दुनिया से जाने वाला है। कि मोहब्बतों को तराजू पे तोलने वाले, तू मेरी सोच की दुनिया से जाने वाला है। जो हैसियत को परख करके सबसे मिलते हैं उन्हें बता दो मेरा वक्त आने वाला है। और ये आखिरी शेर है कि बिखर गया हूं मगर आज सब भी बाकी है, मेरे यकीन का सूरज कभी तो निकलेगा। बहुत ही अच्छा शेर है, मैं चाहता हूं यहां से लेके वहां तक जुड़ जाए, फिर आप सब इजाजत दीजिए मुझे जाने के लिए। कि बिखर गया हूं मगर आज सब भी बाकी है, मेरे यकीन का सूरज कभी तो निकलेगा। बड़ा गुरूर है उसको पराए मर्दों पर, अमीर जादी ये सस्ता नशा भी उतरेगा।